अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी, देती है आपको दुआ और कहती है खुश आमदीद। अच्छा, बात करी थी मैं आप अल्लाह पाक की कायनात की तखलीक की और नेमतों की। अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतें दी हैं। कभी कभी हमारे पास चीजें तो होती है लेकिन हमें उसका मालूम नहीं होता और हमारे पे बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। इस तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि हम आपको बहुत सारी अवेयरनेस दें और आज उसी से रिलेवेंट एक बहुत जबरदस्त जो है एक एक्सपर्ट मौजूद है। तो अल्लाह पाक ने पहाड़ों में जमीन में नवादरात रखे हुए हैं, कुछ खास पत्थर, और उन पत्थरों की मुझे बहुत शौक था कि मैं नॉलेज लूं, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं अपने व्यूअर्स से भी शेयर करूं। तो यहाँ पर एक ऐसे शख्स मौजूद है, कई सालों से वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और लोगों को बहुत फायदा दे रहे हैं। तो मैं मिलवाती हूँ, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सपर्ट है स्टोन्स में और स्टोन्स की नॉलेज उनके पास इतनी है, तो मैंने कहा आज तो मैं तो ले ली, तो आप भी ले लीजिए। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड स्टोन एक्सपर्ट SM इकबाल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप खैरियत से हैं, बल्कि सब लोगों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक सबको अपनी खैरियत और हिफ़्ज़ में रखे, क्योंकि सबके लिए दुआ करनी चाहिए इंसान। बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा इकबाल साहब, जितने भी मैंने देखा स्टोन्स कभी कभी हम लोग जाते हैं खरीदते हैं तो हमें एक तो पहचान नहीं होती, ये भी एक चीज है, और फिर हमें ये नहीं मालूम कि हमें कौन सा स्टोन सूट करता है, हम इसकी सिलेक्शन करते हुए जरा घबराते हैं। जी, मैं पहले आपने जो इंट्रो में इंफॉर्म किया आपकी उस बात को मजीद आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, जिसमें आपने फरमाया कि स्टोन जो है समंदर में, जमीन पर और जमीन से बाहर और कोयलों में पाए जाते हैं। एक स्टोन है मरजान, जिसका जिक्र मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, इसका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी है। ये स्टोन समंदर की तह के अंदर पाया जाता है और नहायत ही खूबसूरत स्टोन होता है। और जिस तरह आपने फरमाया कि स्टोन्स के इफेक्ट होते हैं, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको मालूमात देना चाहूंगा। जैसे याकूत स्टोन है, ओपल है, ब्लू सफायर है, नीलम है, धुरे नजफ है, याकूत है, तो इस तरह की एक स्टोन की लाताद तादाद है। और जो स्टोन स्टार से रिलेटेड हो वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस दे सकता है। सेकंड गुजारिश ये करूंगा कि जैसे स्टार से रिलेटेड एक स्टोन है ओपल, आप उसके ऊपर ब्लू स्फायर यूज करेंगे तो उससे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसमें आपका हाइपर होना, आपको गुस्सा ज्यादा आना, तो इसलिए वो स्टोन यूज करें। और दूसरी जो स्टोन है वो रियल होना चाहिए, क्योंकि अगर रियल स्टोन नहीं होगा तो फिर उसका आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन मकासद के लिए आप स्टोन भी यूज करना चाह रहे हैं और वो स्टोन भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस ना दे, तो फिर उसका आपको बेहतर रिस्पांस नहीं मिलेगा। अच्छा इकबाल में भी आप बैठे हैं तो कॉल आ गई, मैं क्या करूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है भाई साथ मेरी बहन? मैं हमारा नकी बोल रही। कहाँ से मेरी बहन? हमारा कराची से। अच्छा, हमारा क्या पूछना है इकबाल साहब से? मैंने अपने स्टोन के बारे में पूछना है और मैं परेशान रहती हूँ, मेरे ना वो बच्चियों के रिश्ते आते हैं तो चले जाते हैं, फिर मना कर देते हैं, और मैं परेशान रहती हूँ, कुछ रहनुमाई करें। अच्छा इकबाल भाई से बात कीजिएगा। इकबाल जी, आप अपनी वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ इन्फॉर्म कर दें, फिर मैं आपका जैसे। वालदा का नाम कौशल जबी है जी, और तारीख दैश है 13/3/1997। जी जी, मैं इंशाल्लाह आपको इसका आते हैं, लोग देखते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन मना कर देते हैं। बहुत परेशान हूँ, प्लीज कुछ रहनुमाई करें। अच्छा अच्छा, बस मेरी बहन परेशान हो, बहुत शुक्रिया। अच्छा आप इसको तो देखिए, मैं लोगों को मैसेज दे दूं कि आप क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। जी नाज़रीन, इकबाल साहब स्टोन एक्सपर्ट मौजूद है यहाँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, और मैं ये बोलना चाहूंगी आप सब नाज़रीन को कि अगर आपने अपनी कोई भी आपको प्रॉब्लम है, रिश्ते नहीं आ रहे, या बेटे की जॉब का कोई मसला है, या घर में कोई परेशानियां, बार बार रिस्क की कमी हो रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसमें खास तौर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए होगी, तारीख पैदाइश, और दूसरी बात है कि आपकी वालदा का नाम और आपका नाम, ये तीन चीजें रिक्वायर्ड होंगी। तो इकबाल साहब आपको तमाम डिटेल्स, आपको इसका जवाब देंगे कि आपको सबका क्या करना है या आपका क्या मसला किस तरह हल हो सकता है। जी इकबाल भाई जी, मैं हमारा नसीम साहब को पहले जवाब दूंगा। जी मेरी बहन, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि प्रपोजल आते हैं, डिसाइड नहीं होते, लोग देखते हैं और वापस चले जाते हैं, सिचुएशन ये होती है कि रिश्ते जो है उसके तय होने का एक टाइम मुकर्रर होता है,
और वो अपने टाइम पर ही पाया तकमील तक पहुंचते हैं। और जैसे आपने फरमाया कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम और हर्डल्स हैं, आपका जो स्टार है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है पाइसिस, आप खुद भी माशाल्लाह बड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन कुदरत की तरफ से जब डिसाइड होना है वो उसी वक्त डिसाइड होगा। मैं आपको स्टोन्स के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ, आपका जो बर्थ स्टोन है वो 10 कैरेट का याकूत आप संडे के दिन यूज करें और ईशा की नमाज के बाद सूरत रहमान, सूरत मुल्क और सूरत मुजम्मिल अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। आई होप कि इंशाल्लाह जब आप नमाज की पाबंदी करेंगी और ये वज़ाइफ पढ़ेंगी तो अल्लाह पाक की रहमत से आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। सेकंड ये है कि किसी भी सफेद चीज का 10 वीक तक जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक सदका दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो आपके प्रॉब्लम हर्डल्स हैं वो भी रिमूव होना शुरू होंगी और आने वाला जो ये 2022 है ये इंशाल्लाह आपके लिए बेस्ट होगा। इसमें ये जो 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 मकासद आप अचीव करना चाह रही हैं अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह पाया तक मिल तक पहुंच जाएंगे और मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ जी। सेकंड अगर कोई ईमेल, अच्छा जी मेरे पास ईमेल जैसे ही आपने अभी कॉल आने शुरू हो गई है, बात अभी मैं सुन ही रही हूँ, तो मैं पहले तो चाहूंगी मैं ईमेल का तो आपको दूंगी, अभी एक ईमेल मेरे पास 3-4 आ चुकी है, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा स्टोन के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे कि क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखिए स्टोन याकूत जो है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्म कर देता हूँ। ये एक ऐसा स्टोन है जैसे इंसान यूज करते हैं तो उसको ज़हन उसका फ्रेश रहता है, कल्बे सुकून होता है, ठीक है, और आदमी जो है ना ऐसा बिल्कुल फ्रेश फील करता है, लेकिन शर्त यह है कि वो आपके स्टार से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि सारे उसको कंटिन्यू यूज करना शुरू कर दें। दूसरा मैं आपको एक ओपल स्टोन है, ये ओपल दो किस्म के होते हैं, एक वाइट होता है और एक ओपल फायर वाला होता है। अगर वो फायर वाला स्टोन आप रिंग में यूज करते हैं तो उसकी जो 5 से 6 किस्म की जो रेज हैं वो रिफ्लेक्स होती हैं और इंसान उसको अपनी अंगूठी में देख सकता है। ये कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है जो रेड ग्रीन उसमें से रेज नेचरली तौर पर रिफ्लेक्स हो रही थी। और पत्थर की वही जी जी देखिए ना अल्लाह ताला ने स्टोन भी जो है वो अल्लाह की तखलीक है और जो चीज अल्लाह में जिक्र हो गया तो उसको हम जी हाँ तो डिनाई नहीं कर सकते। और यमनी हकीक जो है वो कोई भी यूज कर सकता है, वो इंसान को तस्कीन देता है, कल्बे सुकून देता है, कोई भी इंसान यूज कर सकता है, लेकिन मेरी गुजारिश यही होगी कि जब भी जो भी इंसान स्टोन यूज करे वो स्टार से रिलेटेड रियल करे। सेकंड एक मेरी आपसे इल्तिजा होगी कि एक स्टोन की 30 से 40 इकसाम होती है। अच्छा। जैसे यमनी हकीक है इसके 30 से 40 कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट, तो इसलिए जो स्टोन दिल चाहे ओरिजिनल हो उसको आप यूज करें, वो आपको बेहतर रिस्पॉन्स देगा। अच्छा हमें कौन सा ऐसा फॉर एग्जांपल किसी को अगर डेट ऑफ बर्थ ना मालूम तो वो कौन सा ऐसा स्टोन है जो हम इजीएस्ट हम वो यमनी हकीक पहन सकते हैं। अच्छा पहन सकते हैं तो अच्छा इस सबसे बेस्ट बेनिफिट कौन से पत्थर के कि यार इसकी जिंदगी बंदे की जो है जो प्रॉब्लम्स हैं बार बार जैसे कुछ लोगों को आती है ना वो नहीं होंगी वो जरा अच्छा महसूस करेगा ये कौन सा पत्थर। स्टोन जो है जैसे ब्लू स्फायर है ये बेस्ट स्टोन है, ओपल बेस्ट स्टोन है, दुरे नजफ बेस्ट स्टोन है, मून स्टोन एक अच्छा मून स्टोन चांद की मुशाबत रखता है, ये स्टोन है ये अच्छे अफेक्टेबल है और इसका बेहतर रिस्पॉन्स मिल सके। अच्छा हमें जिस तरह आपने अभी पत्थरों के बारे में इतनी माशाल्लाह नॉलेज दे रहे हैं, हम पहचान कैसे कर सकते हैं ये आप अब इतने सारे लोग जी जी, जी। ये मैं बहुत आपने अच्छा सवाल किया, ये जो लेने वाला है वो उसकी पहचान नहीं कर सकता क्योंकि उसको तो पहचान नहीं है, ये देने वाले पे डिपेंड करता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हुए उसको सही गाइड भी करे और उसको स्टोन भी रियल दे। अच्छा इसके बारे में आपने बताने कॉलर है हमारी दरमियान, ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मेरी प्यारी बहन आपका नाम क्या है? मेरा बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मेरा कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी मेरा क्या इकबाल भाई से बच्चे का जायका मालूम करना है, तारीख पैदाइश है 22 फरवरी 1987। ओके जी जी, रात को 12:15 बजे शाही बाग में पैदा हुआ है। ओके इसके फ्यूचर के बारे में और कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें बता दें इसके जायके में। क्या उम्र है इसकी? 22 फरवरी 1987। ओके अच्छा 12:30 इकबाल भाई कुछ पूछते हैं इनका नाम वगैरह? डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंफर्म होनी चाहिए। ठीक
ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, थैंक यू सो मच जी। वो स्टोन्स के बारे में कर रहे थे डिस्कशन, इंशाल्लाह फिर उसके बाद इसका मैं जायचा भी क्लियर कर लेता हूं। okay. तो जो देने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रियल होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान कोई चीज यूज करता है जी, जी. और जिस मकसद के लिए यूज करता है उस मकसद को वो नहीं अवेल कर सकता तो फिर वो स्टोन पहनने का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेकेंड ये है कि क्योंकि जो आर्टिफिशियल स्टोन यूज करते हैं लोग ये महसूस करते हैं कि शायद इससे मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। okay. इसलिए कि स्टोन जो है उसकी जो जोरी ही इसको चेक करके दे सकता है। अच्छा, यानी कि वो बेचारा नहीं कर सकता, वो लेने वाले को मालूमात नहीं है ना, अगर वो एक्सपेंसिव भी लेता है और उसको चीज भी सही नहीं देता तो फिर वो अब वही सोचोगे बहुत एक्सपेंसिव है तो 100% पे होगा। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब इंसान स्टोन बाय करता है तो यकीनन वो उसके एम तवक्कुआत के मुताबिक ही। ठीक, आप इसको देख ले, मैं एक मेरे पास ईमेल आई है उसको भी जी जी मैं आप इसको बताइए, उमेरा साहबा को जवाब दूंगा। जी मेरी बहन, आपने अपने साहबजादे के बारे में क्वेश्चन किया था और डेट ऑफ बर्थ थी उनकी 22/2/1987। इनका जो स्टार है वो पाइसिस बनता है। बच्चा माशाल्लाह बड़ा आपका जहीन है, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, रिस्पॉन्सिबल है और कमिटमेंट के मुताबिक चलने वाला है। फ्यूचर माशाल्लाह इनका काफी ब्राइट है। थोड़ी सी इनको स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, लेकिन जो आप फील कर रही हैं, जो आपके जहन में है, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह ये आपकी तवक्कुआत से बेहतर आपको रिस्पॉन्स देगा। फ्यूचर माशाल्लाह इनका काफी ब्राइट है। नेगेटिविटीज के बारे में इनके लिए मत सोचें, क्योंकि पाइसिस वाले बहुत ही जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्कर होते हैं, अपने मतलूबा मकासद को अचीव करना चाहते हैं, उनमें आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा सलाहियत होती है और उस सलाहियत को मद्देनजर रख के ही आगे जाते हैं। इनका जो बर्थ स्टोन है वो ओपल है, फायर वाला। ये आप 10 कैरेट का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में फ्राइडे को यूज करें और व्हाइट चीज का 7 वीक तक जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक सदका दें। टेंशन आप नहीं लें, अल्लाह तबारक ताला की रहमत और उसके फजलो करम से इंशाल्लाह ये बच्चा आपकी तवक्कुआत और आपकी उम्मीदों से ज्यादा आपको बेहतर रिस्पॉन्स देगा। जबरदस्त जबरदस्त, आई एम सो हैप्पी टुडे। अच्छा, एसएम इकबाल साहब, नेक्स्ट हमारे पास ईमेल है, आप जरा नाम लिख लीजिएगा। जी जी, इनका नाम है अजरा परवीन। जी जी, और इनकी तारीख पैदाइश है 27/27/1997। ठीक है नहीं, और वालदा का नाम है इनकी कौसर परवीन। जी जी, ठीक है। मेरे रिश्ते आते हैं, लोग देखते हैं, वापस चले जाते हैं, कब तक मेरा रिश्ता तय हो जाएगा? अल्लाह पाक परेशानी करे। अच्छा, एक कॉलर है, फिर बात करें, इसको भी लिख लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? जी मेरा जमील अहमद नाम है। जमील जी, जमील अहमद। ठीक है, जमील अहमद जी भाई। जी वालदा का नाम मेरा सरवरी बेगम है ना? सरवरी बेगम जी, लिख लीजिए, एक बाल भाई लिख लीजिए। जी जी, मैं लिख रहा हूं। पेपर पे लिख लीजिए। जमील अहमद। जमील अहमद, और वालदा का नाम? सरवरी बेगम। सरवरी बेगम जी भाई, आप क्या जी? मेरा सवाल है, मैं जिस काम में भी कोशिश करता हूँ ना, जो भी कारोबार करता हूँ उसमें हमेशा नुकसान होता है, उसमें कोई मुझे इसके फायदा नहीं होता ना, काम कारोबार का ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैंने 2-3 कारोबार पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन उसमें भी सिर्फ नुकसान हुआ है, मुझे उसमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, आपने तारीख पैदाइश बता रहे थे, वो मिसिंग हो गई। जी, डेट ऑफ बर्थ है मेरी 14 जनवरी 1980। बहुत शुक्रिया भाई, परेशान अभी आंसर है। जी सभी बहन, मैं सबसे पहले अजरा साहबा को जवाब दूं। जी जी हाँ, पहले उनका ईमेल आ गया जी। इसमें उसके बाद फिर मैं जमील साहब को दूंगा मजीद जो भी फिर कॉल दूंगा। ठीक ठीक जी, आपने अभी क्वेश्चन किया था अजरा साहबा ने कि प्रपोजल आते हैं, डिसाइड नहीं हो पाते, लोग देखते हैं और वापस चले जाते हैं, कब तक पॉसिबल है कि प्रपोजल डिसाइड हो पाएगा? कोई हर्डल, कोई रुकावट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए मेरी बहन, जैसे आप फील कर रही हैं कि कुछ नजरबंद या ऐसी कोई चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह आपका जो स्टार है वो टॉरस है और टॉरस वाले पीछे हटने वाले नहीं होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं। तीसरी बात यह है कि प्रपोजल आते हैं, डिसाइड नहीं हो पाते, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो आने वाला अगस्त या सितंबर है, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसमें जहां भी प्रपोजल डिसाइड होगा आपका, वो सक्सेसफुल होगा और कामयाब होगा। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन अल्लाह पाक के हर फैसलों में बेहतरी होती है और अल्लाह पाक की जात जो भी करती है वो बेहतर करती है। और आपका जो स्टोन्स है वो दुरे नजफ है, ये आप 10 कैरेट का यूज करें,
ईशा की नमाज के बाद सूरत रहमान और सूरत मुजम्मिल अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। किसी भी वाइट चीज का सदका दें। आई होप के इंशाल्लाह आपको बेहतर और पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और जब आप जो प्रपोजल है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगस्त के अंदर अल्लाह पाक की रहमत से वो डिसाइड होगा, कामयाब और सक्सेसफुल होगा। अब बात है जबरदस्त, हमारे पास आ गया अजरा परवीन। जी जी नहीं, जमील साहब जी, अब जमील नहीं, अजरा परवीन का तो आंसर आ गया। जी जी, जमील साहब ने भी हमें कॉल की थी और जैसे उन्होंने फरमाया कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे बहुत ज्यादा लॉस होता है और 2-3 काम कर चुका हूँ लेकिन उसमें कोई पॉजिटिव बेनिफिट नहीं मिल रहा है। प्यारी भाई, गुजारिश ये है कि माशाल्लाह बड़े रिस्पॉन्सिबल हार्ड वर्कर और स्ट्रगल करने वाले हैं और मुश्किल से मुश्किल काम से भी पीछे हटने वाले नहीं है। 2000 में आपके 2021 में आपके जो स्टार की पोजीशन है वो काफी बेहतर नहीं थी। जो भी आपने कारोबार किया उसमें बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिला लेकिन 2022 आपके लिए काफी बेस्ट है। इसमें आप सबसे पहले तो जो आपके स्टार की पोजीशन है माशाल्लाह कैप्रिकॉन बनता है और कैप्रिकॉन वाले जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी मसाइल होते हैं उसको डिस्क्लोज नहीं करते बल्कि अपने ऊपर ही मुसल्लत रखते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ईशा की नमाज के बाद या अल्लाह हो या रहमान हो या रजाक हो अव्वल आकर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। आई होप के इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत होगी, अल्लाह पाक का फजल व करम होगा, इंशाल्लाह आपके कारोबार में भी अल्लाह पाक की रहमत से रिस्पॉन्स मिलेगा और आप मजीद आगे भी बढ़ सकेंगे और मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। जी अच्छा जी, एक और ईमेल ले लें। जी 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 नाज़रीन, साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, इस वक्त SM इकबाल साहब मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और स्पेशली ऑफ कोर्स स्टोन एक्सपर्ट हैं। अल्लाह ना करे आपके कोई भी घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आपकी रोजी में रुकावट हो रही है या अल्लाह ना करे आप किसी ऐसी जैसे रिश्ते आना आना बड़ी प्रॉब्लम ये भी एक है, फिर बच्चों का खास तौर पे आपस में बहुत घर में घरेलू झगड़े, माँ बाप बच्चे सुन नहीं रहे तो घर में बहुत सारी नजरें बद लग जाती है। तो मैं ये भी एक बार सबसे पूछूंगी कि ऐसा क्या हमने थोड़ा पढ़ाई करनी होती है जिसमें हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ हों। अच्छा जी, एक और हमारे पास ई मेल है और ये हुमा बीबी हैं और वालदा का नाम इनका जाहिदा बीबी है और इनकी तारीख पैदाइश है 13/9/1987 यानी कि 13/9/1987। ठीक है जी। अच्छा जी, इनको है काफी अरसे से ये बीमार हैं और बहुत इन्होंने इलाज करवाया मगर तबीयत संभल नहीं रही इनकी। ठीक है, और रात को इनको डर भी लगता है। जी साबी बहन, मैं थोड़ी सी आपकी बात को मजीद आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसे आपने फरमाया कि नजरें बद लगती है, जी जी, नजर अच्छी भी लगती है और नजर बुरी भी लगती है। बिल्कुल, और अपने की भी लगती है और पराए की भी लगती है। हाँ, वो नजर अच्छी या बुरी से मुराद यही है कि अपने और पराए दोनों में से किसी की भी लग सकती है लेकिन उसका सलूशन ये है कि इंसान सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करे, जो जरूर है, मस्ट है, क्योंकि उससे इंसान को कल्बे सुकून होता है। सेकंड ये है कि ईशा की नमाज के बाद सूरत नास, सूरत फल, आयतल कुर्सी अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नजर भी नहीं लगेगी और जो नजर हुई है वो भी खत्म होगी। तो इनका तो इनको आप यही सजेस्ट करते हैं? नहीं, इनका तो अभी मैंने जवाब देना, मैंने तो आप पे जो डिस्कशन आप कर रहे थे उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा था। इनका बता दीजिए। जी जी, हुमा बहन, अभी आपने ईमेल की थी, सिचुएशन आपने ही बताई थी कि मैं काफी अरसे से बीमार हूँ, बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और दूसरा ये, जैसे आपने फरमाया कि कुछ डर वगैरह भी लगता है, आपके ऊपर कोई नजरे पर कुछ नहीं है, नेचरली तौर पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह आई होप कि आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएगी। बर्थ स्टोन आप करने हैं, खूबसूरत स्टोन है यमनी की, ये आप 10 कैरेट का यूज करें, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, किसी भी येलो चीज का आप 11 वीक तक सदका दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जब आप सदकात देंगी तो आपकी ये जो परेशानियां हैं ये भी खत्म होंगी। दूसरा, ईशा की नमाज के बाद सूरत नास, सूरत फलक, आयतल कुर्सी और सूरत मुल्क अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत से आपको सेहत आमला काजिल अता फरमाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और आप मजीद डिस्कशन करना चाहें तो मेरे नंबर स्टिल हैं, आप मुझे आप प्रोग्राम वाइंड अप होने के बाद रिंग कर लीजिएगा, मैं मजीद आपको बेहतर से बेहतर गाइड करूंगा। मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ। अच्छा इकबाल साहब, ऑफ कोर्स मैं साथ साथ चाहती हूँ कि ईमेल भी एक और भी है, लेकिन साथ साथ मैं चाहती हूँ जो नाज़रीन अभी गुड मॉर्निंग विद सभी देख रहे मॉर्निंग शो, उसमें थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस भी दी जाए कि स्टोन्स की अफादियत
जब तक किसी भी को ये किसी पर्सन को ये नहीं मालूम होगा कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, तो वो फिर उनको नॉलेज नहीं होगी तो वो सुरख में आते भी नहीं, वो बस उसमें ही रहते हैं पता नहीं का, और खास तौर पे फिर वो तावीज घंटों में पड़ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ जरा इसकी थोड़ी नॉलेज देनी। जी जी, मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूंगा। देखो, इन तावीज घंटों में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि जब आदमी खुद अल्लाह ताला से दुआ करता है, खुद अल्लाह ताला से मांगता है, खुद उस पर अमल करता है, तो उससे का बेहतर रिस्पांस मिल जाता है। और जहाँ यकीनी का तासुर हो, ये एक यकीन है। मैं जिस तरह का मरजान कुरान में जिक्र है, याकूत मरजान और लुलू स्टोन है, इसका कुरान पाक में जिक्र है। लेकिन स्टोन आपने जैसे फरमाया कि जब यूज करे तो वो रियल हील है, क्योंकि जब आदमी अपने मकासद के लिए कोशिश करते हैं और वो रियल स्टोन यूज नहीं करते तो फिर उसका जो रिस्पॉन्स है फिर वो शिकवा करता है। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने फरमाया कि लोग तावीज गंडों या ऐसे उस मसले में पड़े, इसमें तो सबसे पहले आदमी को अपने ज़हन पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज का इलाज पैदा किया सिवाय मौत की। आप जब नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, वज़ाइफ पढ़ेंगे, सदकात देंगे और खासकर नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला की रहमतें होती ही चली जाएंगी। जब आप पांच पर नमाज पढ़ती हैं और वजू में रहती हैं तो आप ये सोच लें कि हर वक्त आपका जो जहन है वो फ्रेश रहेगा, क्योंकि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए जब आदमी सोचता है तो अल्लाह तबारक ताला उस पे कितनी रहमतें करता है, उसके ऊपर क्या जादू तावीज का असर होगा, वो तो उसको वैसे ही कल्ब सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। बेशक बेशक। अच्छा, स्टोन की हम बात कर रहे हैं और जब हम पहनते हैं और जाहिर सी बात है उसके कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ मिस्टेक्स भी। देखे कहते हैं ना, कोई बीमारी का कुछ इलाज होता है उसका कुछ हैवी डोज होती है, नुकसान देती है। अच्छा, इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है? कहते हैं कभी कभी कोई लोग पहना हुआ है और हम लोग बेवकूफ़ी है ये करते हैं, जरा दिखाना मुझे, और हम उसकी उंगली से पहन के अपनी उंगली में पहन लेते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने सुना होगा कि बहुत से जो बड़े फिलासफर हैं उनका एक कॉल है कि अपनी घड़ी और अंगूठी दूसरे को मत दें। अच्छी घड़ी है हमारी तो हम किसी को ना दें, ये घड़ी दोबारा घड़ी नहीं आती। फिलासफर का कॉल है, मेरा नहीं है। दूसरा ये है कि जो स्टोन आप यूज कर रहे हैं उसके लिए कुछ एहतियात भी होती है, जैसे याकूत स्टोन है, मरजान है, जब आदमी इसको स्टोन को यूज करते है रिंग, तो उसकी जो एहतियात है वो रखनी चाहिए कि उसको शाम में उतार देनी चाहिए, रात में सुबह फिर उसको पहनना चाहिए। और जब आदमी इस स्टोन्स की एहतियात करता है तो उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा मिलता है। तीसरी बात ये है कि स्टोन यूज करने का प्रोसेस ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि जब आप स्टोन यूज करें तो ये जरूरी नहीं कि आप 20 कैरेट का पहन लें, 40 कैरेट का पहन लें, ऐसा नहीं होता और ना इस तरह पहना जाता है। एक ग्राम में 5 कैरेट होते हैं, मैक्सिमम जो है 5-10 कैरेट का यूज करते हैं। मैंने देखा लोग 20-40 कैरेट का स्टोन यूज करते हैं, ये वो आप वाली बात है डोज वाली। अगर आपको डॉक्टर ने कहा कि आपने एक चम्मच 3 मरतबा यूज करना और आप दिन में वो 3 बोतलें एक दफा यूज करना शुरू कर दें तो फिर उसका वो रिस्पॉन्स उसी तरह आपको मिलेगा जिस तरह आप चाह रहे। बिल्कुल ठीक है। चलिए, हमारे पास एक ईमेल और है और ये मेल की है। मेरा नाम अकरम है, उनका नाम अकरम है और वालिद का नाम है कौसर जबी और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/8/1991। अच्छा जी, इनको बाहर जाने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जा नहीं पा रहे। कोई सफर जो उनका जो है वो सफर कर सकूंगा कि नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं, क्या वो सफर कर सकते हैं? जी क्यों नहीं करेंगे। मैं जी इकराम भाई, आपने जैसे इन्फॉर्म किया और आपने ईमेल की कि मैं ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, उस ट्रैवलिंग करने में बहुत सी हर्डल्स पैदा हो रही हैं और जब भी कोशिश करता हूँ तो ट्रैवल कर नहीं पाता, क्या कोई प्रॉब्लम हर्डल्स है? ऐसा नहीं है, आपका जो स्टार है वो विर्गो बनता है और विर्गो की पोजीशन जो है लास्ट 9 मंथ से बेहतर नहीं थी, क्योंकि हर एक स्टार के 12 हाउसेज होते हैं, जैसे लक से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है। आई होप कि इंशाल्लाह 2022 में आप ट्रैवल कर पाएंगे और वो ट्रैवल जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं उसमें भी आपको सक्सेस होगी। बर्थ स्टोन अगर आप यूज करना चाहें तो बिलू स्फायर है, या आप 10 कैरेट का यूज करें और किसी भी वाइट चीज का 7 वीक तक सदका दें। लेकिन ये जो डिले हो रहा है इसमें आप जो फील कर रहे हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम्स हैं या किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सफर की जो डेट और पोजीशन है वो आने वाले टाइम में बेहतरी हो रही है
और इंशाल्लाह वो सफर आपके लिए सक्सेसफुल साबित होगा। जबरदस्त। अच्छा, आप ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजर हैं और स्टोन एक्सपर्ट हैं और काफी टाइम से माशाल्लाह लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और लोगों के बहुत सारी कुछ होती है परेशानी, कुछ लोग बहुत ज्यादा जो है वो रिंग्स पहनते हैं, स्टोन्स पत्थर वगैरह, और यानी कि एट अ टाइम आप चार भी पहन सकते हैं, चार स्टोन्स भी पहन सकते हैं। देखें, हर एक स्टार का एक ही स्टोन होता है, ठीक है। अब चार ये कुछ लोगों को देखा है, वो मैंने देखा है, लेकिन वो अब किसी के पहनने से वो आठ भी पहन सकते हैं। अच्छा, हमें कोई राइट नहीं है कि हम उसको फोर्स करें कि आप क्यों पहन रहे हैं या नहीं पहने, लेकिन जो इसका प्रोसीजर है अगर आप उसको अडॉप्ट करते हैं और आप स्टार से रिलेटेड स्टोन यूज करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि आप आठ आठ किस्म के स्टोन यूज करें। अभी जैसे कुछ देर पहले मेरी आपसे डिस्कशन चल रही थी, जैसे आपका स्टोन ओपल है, ठीक है, या बिलूस फायर है, कोई भी एनी वन, उसमें आप उससे हटकर एक स्टोन यूज पहनेंगे तो वो फिर आपको ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स देगा। इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन। ठीक है जी, हमारे मैंने कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है महम। महम, ठीक है जी। जी महम, कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैंने एबटाबाद से कॉल की थी। अच्छा, एबटाबाद से। जी महम, आप क्या पूछना चाहती हैं? एक्चुअली मेरी शादी को 5 साल हो गए, अभी तक औलाद नहीं हो पा रही। अच्छा, आप अपना पूरा नाम, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। मेरा नाम पूरा माहम है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1991। और वालदा का नाम क्या है चंदा? मेरी वालदा का नाम है जाहिदा बीबी। जाहिदा बीबी जी। चलो माम, जरा सा वेट करो चंदा। और एबटाबाद का मौसम कैसा है? अरे रियली, दोनों मौसम इतनी हरियाली। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जी, जी मैं वो स्टोन्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था, फिर उसके बाद में जवाब देंगे। तो वो स्टोन जो है, जैसे आपका एक स्टोन है और उस बेलूस फायर एग्जांपल, और आप उसके साथ ओपल यूज करते हैं तो उससे एक तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो आप स्टोन पहन कर लेना चाह रही हैं आपके स्टार से रिलेटेड, वो दूसरा स्टोन आपके लिए नेगेटिविटीज पैदा करेगा। अच्छा, इसलिए वो स्टोन यूज करें जो आपके स्टार से रिलेटेड है। जैसे आपने फरमाया 5 से 6 किस्म के स्टोन लोग यूज करते हैं, बिल्कुल उसको आप शौकिया कह सकते हैं। नहीं, शौकिया की बात नहीं है, उसको रिस्पॉन्स मिलना इम्पॉसिबल है। रिफ्लेक्ट करते हैं, और हर एक स्टोन की अपनी खसूसियत है। जैसे याकूत है, वो नहायत ही ठंडा स्टोन है, कलबे सुकून देता है, गुलाब के फूल की तरह होता है और लोग इसको यूज करना पसंद करते हैं। इसके मुतबादल ओपल स्टोन है जो नहायत ही सख्त तरीन स्टोन है और वो आपके स्टार से रिलेटेड नहीं है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, हाइपर होंगे आप, दिमाग पे आपके बोझ रहेगा, जिन मकासद के लिए आप कोशिश करना चाहेंगी उसमें हर्डल्स पैदा होंगी। तो ये, और अल्लाह ताला ने हर स्टोन की अपनी अपनी एक खसूसियत बनाई। अरे हर चीज की, मैं कहती हूँ जैसे नमक है, नमक के अल्लाह ने कुछ नवादरा। अब आप नमक की मिसाल ले लें, जैसे आपने फरमाया कि 5 स्टोन पहनते हैं, अब नमक जो है वो 1 चम्मच डलता है तो उसमें आप 12 डाल तो फिर वाह हो जाएगी। मैं कहती हूँ हर नेमत अल्लाह की जो है ना, उसका मैं कहती हूँ 100% उसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स, उसकी मिकदार, उसकी क्वांटिटी के मुताबिक ये होना चाहिए। देखे ना, हमारी जो अल्लाह पाक ने रोजाना सूरज निकलता है, फिर तुलू होता है, फिर गुरूब होता है, तो उसका एक सिस्टम है, ये तवाजन बहुत जरूरी है। जी मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, आपने मुझसे एक क्वेश्चन नहीं किया जो मैं चाह रहा था काफी देर से, यकीन आप खुद बताए आपका प्रोग्राम। स्टार्स हैं, सूरज और चांद, आपने फरमाया सूरज जब निकलता है तो हमारी जो फसलें होती हैं आपने देखा होगा गंदम बहुत ही ग्रीन होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसकी जो रेस जब रिफ्लेक्स होती हैं तो वो गोल्डन हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। इसी तरह जब चांद निकलता है तो जितने हमारे खूबसूरत फ्रूट्स हैं उसके ऊपर उसका असर होता है, बिल्कुल। तो इसी तरह जो स्टार है उनका इंसान की जिंदगी पर असर अंदाज होता है, लेकिन ये उसके कॉन्फिडेंस और उसकी बिलीफ पे डिपेंड करता है। हम किसी को कायल नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्स भी अल्लाह की तखलीक है, बेशक। जो अल्लाह ताला चीज तखलीक करता है तो उसके कितने फायदे होंगे पता नहीं, वो कितने, वो कहते हैं ना, हमें तो, हम तो वैसे कहते हैं, हम लोग ऊपर देखते हैं बेसिकली, तो वो अगर देखा जाए तो जमीन ऊपर है और ऐसे कुछ आसमान, कुछ चांद नीचे, हम ये कहते हैं, और ये वहां पर एक टूट फूट चल रही है समंदर में, एक
अंदर कुछ बहुत कुछ चल रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा। इसी तरह आसमान पर तारे टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, स्टार्स का क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। ये है अल्लाह के हर काम में बेहतरी, आप ये कहें जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। चले जी माम की तरफ चलते हैं। जी जी जी, जब तक आप माम का हो गया ही, मैं फिर कुछ मैसेज आपका दे दूं। जी जी, आप मैसेज दे देती हूँ। इकबाल साहब यहाँ पर मौजूद है, स्टोन एक्सपर्ट। नाजिन आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी मसला है, आपका रिश्ता नहीं हो रहा, आपके हस्बैंड आपसे बहुत झगड़ते हैं और आपके जो बच्चे हैं वो सुनते नहीं है, कभी कभी कारोबार रुके चला जा रहा है, नजर लग रही है घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, देन डिस्कस एंड कॉल टू अस बिकॉज SM इकबाल एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड स्टोन एक्सपर्ट इज हियर। यस जी मैम, मैंने अभी आपने कॉल की थी, जैसे आपने फरमाया कि मेरी शादी को 5 साल हो गए, औलाद नहीं है। देखें, औलाद से नवाजने वाली सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की जात है। वो जिसे चाहे बेटा अता फरमाए, जिसे चाहे बेटी अता फरमाए, जिसे चाहे दोनों अता फरमाए। बाकी अल्लाह पाक ने औलाद रिस्क जो है वो अपने पास रखा है। आप कोशिश करें, सबसे पहले तो आप नमाज की पाबंदी करें और ईशा की नमाज के बाद 11 तस्बीह या अव्वलो या अव्वलो या अव्वलो अव्वलो आकर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको औलाद नरीना से नवाजेगा। जब इंसान नमाज पढ़ता है, वज़ाइफ पढ़ता है, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक ताला इंसान को ज़रूर नवाजता है। अल्लाह ताला ही नवाजने वाली ज़ात है। टेंशन आप बिल्कुल नहीं लें, जो टाइम जाया हुआ उसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। बाकी अगर आप मज़ीद इसके बारे में कोई डिस्कशन करना चाहें तो आप मुझे प्रोग्राम वाइंड अप होने के बाद रिंग कर लीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल से इन्फॉर्म कर दूंगा। बर्थ स्टोन अगर आप यूज करना चाहें तो मून स्टोन है, ये चांद से मुशाबत रखने वाला स्टोन है। 10 कैरेट का आप यूज करें, किसी भी ब्लैक चीज का जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक 10 वीक तक आप सदका दें। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको औलाद नरीना से नवाजे, आपको ही नहीं बल्कि जो भी जिसके पास भी औलाद नहीं है, अल्लाह तबारक ताला अपनी खास रहमत, अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदके उन सबको भी औलाद नरीना से नवाजे। हम सब के लिए दुआ करो। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो। अच्छा ये जो SM इकबाल साहब ये बताइए कि अभी जो मंथ चल रहा है, जी जी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई चल रहा है, जी जी, तो इस महीने में जो कौन सा स्टार है और इसके क्या किस जो इस महीने में पैदा हुआ है वो क्या अपने सदका वगैरह दे सकते हैं? देखिए अभी जो अप्रैल का मई का मई के महीने के अंदर जो स्टार है वो पाइसिस है, ठीक है, और पाइसिस से रिलेटेड स्टोन जो है वो बिलूस फायर है, ठीक है, नीलम, ठीक है। अगर वो ये यूज करते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, ओके, और उनको यूज भी करना चाहिए और रियल करना चाहिए और उसके लिए ज्यादा अफेक्टेबल होगा। मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जब आऊंगा तो मैं तमाम जितने भी 11-12 स्टार्स हैं, एक तो उनके स्टोन्स के बारे में और उनके बारे में स्टोन्स के बारे में इन्फॉर्म करूंगा और एक उन तमाम स्टार से रिलेटेड आपको इन्फॉर्म करूंगा कि इस वीक में ये आपने हमेशा मेरे इंट्रो में बताना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ताकि लोगों को पता चले, जो जो जिन्होंने नया जैसे होता है ना आज टीवी ऑन किया हो अब उसका स्टार जैसे किसी का लीव है जी जी, तो उसको यार मुझे जो इस महीने जो मैं पैदा हुआ हूँ तो मुझे कैसे कैसे अपना सदका देना या पढ़ना पढ़ाने मेरे मसले वो कौन से स्टोन पहनने से। जी जी, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जितने भी स्टार्स हैं जी डन उनके स्टोन्स के बारे में, ठीक है, उनके जायचे के बारे में, उनके आने वाली पोजीशन के बारे में, ये स्टार की पोजीशन क्या होगी, उसमें वो ट्रैवल करना चाहें, बिजनेस करना चाहें, मैरिज से रिलेटेड कोई स्टेप उठाना चाहें, उस जैचे के बारे में तफसील से इन्फॉर्म करूंगा। अगर मैं अभी बताऊंगा तो टाइम तो बिल्कुल वो हो गया, लेकिन आप मेरे साथ ही जी जी। क्योंकि हम देख रहे हैं टाइम, लेकिन हम आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है 11 बजे तक। इकबाल भाई मेरे साथ ही, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऑफ कोर्स छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।